नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली के टोड़ा मोहम्मदपुर गांव का एक मामला सामने आया, जहां दबंगों ने देर रात घर में घुस युवती से छेड़छाड़ की। युवती ने हल्ला मचाना शुरू किया, तभी रात में खेतों में रखवाली कर रहे परिवार के लोग आवाज सुनकर मौके पर पहुंच गए। जी हां, आपको बता दें, दबंगों का विरोध करने पर दबंगों ने उन पर लाठी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें उनके परिवार के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। न्याय मांगने के लिए पीड़ित परिवार ने अकबरपुर थाने में तहरीर दी। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि उनको दबंगों से जान का खतरा है। पीड़ित परिवार ने दबंगों के नाम भी बताए। उनके नाम है मजबूत सिंह, जगदीश, जय सिंह और अमन। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला तो हमारा ही है, गाय जटाने को गेहूं। हां, ये सुभाष है जो लड़का है मजबूत सिंह का, ये मेरी बहन का हाथ पकड़ के कंडीले ले गया। तो हमको सुनानी आवाज, एक खेत दूर रहते हैं हम, वहाँ से भागा भागा आए तो हमने कितने लोग मार मारपीट करा, वो चीख दी, फिर भी 5-6 लोग आ गए। हम दुई पे दुई रहते, उन्होंने कुल्हाड़ी तब्बल लाठी सब ले थे, हम हत्ता पहिया आते हैं। फिर वहाँ गए चौकी गेट घर चढ़ गए, सब अटारी में घूम रहे हैं, तरे घूम रहे हैं, पाइप वाइप सब टूट डालो, सिमारी मार टूट डालो, गाड़ी के वेंटिलेटर सब टूट है। कितने लोग थे? 5 लोग। क्या नाम थे? मजबूर सिंह, सुभाष, अमन, जगदीश, जय सिंह। किसको ज़्यादा चोटें आई हैं? चोटें आई कुंवर सिंह, माखन लाल, सुमेर। 3 लोग ज़्यादा चोटें आई हैं। ये कौन है आपके? ये माए भाई है। और ये जिनसे झगड़ा हुआ, ये कौन लोग थे? वो लोग सुभाष के पिताजी हुए थे। सुभाष के पिताजी थे, उनके चोट। गाँव के ही लोग थे? गांव के ही लोग थे। गांव के नहीं, कोई आए हैं, उनने कोई भी बचाव नहीं करा। ये लोग गांव के थे जिनसे लड़ाई हुई थी? जी जी।